औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। ये न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर पीडीज का कोर्स है, इसी कोर्स का लेक्चर नंबर 1 आज ऑफर करेंगे इंशाल्लाह। इसी लेक्चर में सबसे पहले तो इस कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनके बारे में पढ़ेंगे कि इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और जो बेसिक्स डिफिनीशंस है, जो बेसिक्स टेक्निक्स है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की थ्योरी के हवाले से, उनको रिवाइज करेंगे। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू लर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ पीडीज के। आप लोगों को ये पता हो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्लासिफाई किस तरह करते हैं। तो सॉल्व एलिप्टिकल पीडीज, पैराबॉलिक पीडीज एंड हाइपरबॉलिक पीडीज, ये 3 टाइप्स के जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है इनके सोल्यूशन का जो तरीका है वो भी इंशाल्लाह आप सीखेंगे इस कोर्स में। यानी हम इन तीनों टाइप्स के जो सोल्यूशंस बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स बनते हैं, इस तरह ट्रेवलिंग वेव सोल्यूशंस जो बनते हैं, कैनोनिकल फॉर्म जिसे कहते हैं, तो उन पे डिस्कशन होगी इस कोर्स में। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द लाइन एंड ब्लॉक एट्रिट्यू मेथड, ये एक बेहतरीन न्यूमेरिकल टेक्निक है, एट्रिट्यू टेक्निक है, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के लिए यूज होता है। जो ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है हमारा, इसमें हम एनालिटिकल टेक्निक्स पढ़ेंगे, एनालिटिकल तरीकों से जो सॉल्यूशंस कैलकुलेट होते हैं, फिर उन्हीं प्रॉब्लम्स का हम लाइन और ब्लॉक एट्रिट्यू मेथड से उनका न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस कैलकुलेट करेंगे। तो हमें ये फायदा होगा कि दोनों मेथड्स के सॉल्यूशंस को हम कंपेयर कर सकेंगे आसानी से। द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू अंडरस्टैंड द आइलेरियन डिफरेंस इक्वेशन एंड लेग्रेंजियन डिफरेंस इक्वेशंस। ये 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस इक्वेशंस है। यूजुअली जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर देते हैं या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल को कन्वर्ट कर देते हैं रिकरेंस रिलेशन में थ्रू डिस्क्रिटाइजेशन, तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स इन्हीं 2 टाइप्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो दीज आर द ब्रॉड क्लासेस ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, सो इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये कोर्स हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की स्टडी से रिलेटेड होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की एनालिटिकल सॉल्यूशंस और न्यूमेरिकल टेक्निक्स से जो सॉल्यूशंस मिलते हैं उन सॉल्यूशंस को कंपेयर करना होगा। इसमें हम मेटलैब का इस्तेमाल भी करेंगे, मेटलैब का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के साथ एक मेटलैब होना चाहिए, और इस कोर्स के जो प्री रिक्विजिटी है, यानी आप लोगों को पता होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है। आपने पीडीज का एक कोर्स पढ़ा होगा और एक न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 एंड 2, ये 2 कंपलसरी कोर्सेज है इस कोर्स के प्री रिक्विजिट में। इसके अलावा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर भी आपका होल्ड होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 4 कोर्स आपने पढ़े हैं या अभी याद नहीं है या रिवाइज नहीं किए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले उन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, न्यूमेरिकल एनालिसिस 1, न्यूमेरिकल एनालिसिस 2, ये 4 कोर्सेज आप रिवाइज कर लें इस कोर्स के स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सीक्वेंस, क्योंकि एट्रिट्यू मेथड्स हम स्टडी करेंगे, तो एट्रिट्यू मेथड्स आर बेसिकली सीक्वेंस। तो रियल एनालिसिस में सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और इस तरह लिमिट पॉइंट्स की जो क्राइटेरियाज है उनको भी आप लोगों ने रिवाइज करना है इस कोर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं बेसिक्स नोटेशंस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो बेसिक्स क्लासिफिकेशन की जो क्राइटेरिया है उनके उनसे स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इस कोर्स में थ्रू आउट हम नोटेशन यूज करेंगे, जो स्क्रीन पे अभी आपको नजर आ रहा है यू विद सबस्क्रिप्ट एक्स को हम यूज करेंगे पार्शियल यू और पार्शियल एक्स के लिए। यानी यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिराइवेटिव अगर होगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यू विद सबस्क्रिप्ट एक्स से। सिमिलरली यू विद सबस्क्रिप्ट डबल एक्स विल रिप्रेजेंट द सेकंड डिराइवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एनालॉगसली यू कैन फॉर्मुलेट यू टी, इट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी।
and u tx will be the split derivative of u with respect to t and with respect to x. ठीक है, यहाँ पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो कैपिटल u है, ये जो फंक्शन है, ये हमारे साथ टू वेरिएबल का फंक्शन है. एक वेरिएबल है इसमें x, दूसरा है t. अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो जिसमें x t के अलावा भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, x y z या r थीटा इस तरह के, तो उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट्स में भी चेंजेस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द PDEs. सो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जस्ट मैं आपको रिवाइज कर रहता हूँ कि व्हाट इज अ पीडी. सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच कंटेन्स द पार्शियल डेरिवेटिव्स. एक ऐसा इक्वेशन जिसमें किसी अननोन फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है. यू एक्स प्लस यू टी इज इक्वल टू जीरो इज वन एग्जाम्पल, यू डबल एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस टू इज अनदर एग्जाम्पल. सिमिलरली यू कैन कंस्ट्रक्ट इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. ठीक है, सो बहुत ज्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट होते हैं, तो सोल्यूशन के लिए जरूरी है, यानी इनको सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले इन सारे इक्वेशंस को हम क्लासिफाई कर लें, मींस डिफरेंट क्लासेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें. फिर हर एक क्लास से रिलेटेड अपना एक मेथड होता है, तो उसके हिसाब से फिर मेथड डिजाइन करेंगे. सो क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले इक्वेशन के ऑर्डर को देखना पड़ता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है. So the order of the differential equation is basically the order of the highest derivative in that equation. अगर कोई equation आपको दिया गया है तो और आपसे कहा जाए कि इसका order बता दे, तो आपने उसी equation में derivatives के orders को देखना है. For example, ये पहला जो example है हमारे साथ u x plus u t is equal to zero. इसमें first order derivative with respect to time और first order derivative with respect to x use हो रहा है. So the order of this PDE is one. Similarly the order of the second PDE is 2 because there is a second order derivative. Similarly the order of the third equation is 3. Why this is 3? Because there is a third order derivative with respect to x in this equation. ठीक है, last जो equation है इसका order है 1. तो सबसे पहले जो characteristic होगी, हमने equation के order को देखना है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है. इसके अलावा आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी इक्वेशंस के देखेंगे, और जो सॉल्यूशन टेक्निक्स है वो डिपेंडेंट है नंबर ऑफ वेरिएबल्स पर भी. तो द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन इक्वेशन इज बेसिकली द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन दैट इक्वेशन. यानी किसी इक्वेशन में जो अननोन फंक्शन यू यूज हो रहा है तो वो कितने वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, इसका अंदाजा आप इजीली सबस्क्रिप्ट से लगा सकते हो. फॉर एग्जांपल पहला जो इक्वेशन है वो हमें दिया गया है यू एक्स प्लस यू टी डबल टी इज इक्वल टू जीरो. सो क्लियरली यू कैन सी दैट यू डिपेंड्स ऑन एक्स एंड यू डिपेंड्स ऑन टी आल्सो. सो द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन दिस दिस एग्जांपल इज 2. सिमिलरली द नंबर ऑफ वेरिएबल पर द सेकंड प्रॉब्लम इज आल्सो 2. हियर यू आल्सो डिपेंड्स ऑन एक्स एंड टी. The third example, you can see it, this depends on three variables. There is the positive derivative of u with respect to r, the positive derivative of u with respect to theta, and the positive derivative of u with respect to t. So basically, this quantity u depends on three different variables, r, theta, and t. So in this equation, the number of variables is 3. So the number of variables of this partial differential equation is obviously 3. The first factor is order, the second one is number of variables. इसके अलावा students partial differential equations linear भी होते हैं, non-linear भी होते हैं. Linear equations वो equations होते हैं जिनमें independent variable u और उसके derivatives linear fashion में आकर हो. I mean के u और ut का product ना हो, u square मौजूद ना हो, ut का square मौजूद ना हो, इस तरह square roots मौजूद ना हो, nth powers मौजूद ना हो, साइन यू, एक्सपोनेंशियल यू, लॉग ऑफ यू, इस तरह के टर्म्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें इस तरह के टर्म्स मौजूद नहीं होंगे, सारे टर्म्स लीनियर होंगे, तो इक्वेशन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, अदरवाइज द इक्वेशन विल बी नॉन लीनियर. लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, यू एक्स प्लस यू टी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज ऑफ कोर्स लीनियर. देयर इज यू एक्स प्लस सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई यू टी इज इक्वल टू जीरो. सिमिलरली the other problem ux plus ut is equal to u square plus sin x t. So
this is nonlinear equation. Why this is nonlinear equation? Because there is the term u square in this equation. So इस तरह के terms मौजूद नहीं होंगे equation में, तो equation linear कहलाएगा. Third problem भी एक linear equation है. Fourth problem एक nonlinear equation है. और nonlinearity की वजह है ये दो terms u multiplied by ut and exponential of u. Clear हो गया. So sin of u, cos of u, tangent of u, exponential of u, log of u, इस तरह के terms ना हो, u और उसके derivatives के जो product है वो मौजूद ना हो और squares मौजूद ना हो equation में. ठीक है, इस तरह के terms. ये terms अगर मौजूद नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि equation linear है. तो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, हमारा focus होगा second order partial differential equation और स्पेशली लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात होगी, उनके न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस पे बात होगी. नॉन लीनियर पर भी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से अप्रोच कर ले इसी कोर्स में. अगर पॉसिबल हुआ तो नॉन लीनियर भी सॉल्व करेंगे, अदरवाइज लीनियर पे जो टाइम होगा वो इन्वेस्ट हो जाएगा हमारा. सो सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट, ए मल्टीप्लाइड बाय यूटी plus b multiplied by utx plus c multiplied by u double x plus d multiplied by ut plus e multiplied by ux plus f multiplied by u is equal to g. ये एक second order partial differential equation है, ये उसका standard एक shape है. इसमें ये a b c d e f और g ये unknown quantities है. ठीक है, इसका मतलब है कि जितने भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इस स्टैंडर्ड शेप में एक्सप्रेस किया जा सकता है फॉर सम सूटेबल चॉइसेस ऑफ द कांस्टेंट ए बी सी अप टू एफ. ठीक है, अच्छा, इस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को दो मेन क्लासेस में, सबसे पहले दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस. सो होमोजीनियस आर दोज इक्वेशन फॉर व्हिच द टर्म जी इज जीरो. जहां पर जी जीरो होगा तो वहां पर जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस, वो इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा. अगर ये जी नॉन जीरो हो तो द इक्वेशन विल बी ऑफ कोर्स नॉन होमोजीनियस. ठीक है, हियर आर सम एग्जांपल, ux plus ut is equal to 0, दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन. द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी एंड एफ इन दिस इक्वेशन? द वैल्यू ऑफ ए इन दिस इक्वेशन इज 0 बिकॉज़ ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ u डबल t. सो द कोएफिशिएंट ऑफ u डबल t इन दिस इक्वेशन इज 1, सॉरी, सो द वैल्यू ऑफ ए इज 1. The value of b in this equation is 0 because there is no term which can be written as utx. Similarly, the value of c is 0. The value of d is also 0. The value of e is 1. Similarly, the value of f is 0 and g is also 0. So the homogeneity and non-homogeneity of the equation basically depends on the value of g. If g is 0, no matter what these constants are, we have only to look at the value of g. If g is 0, then the equation is homogeneous. If this is non-zero, then the equation is non-homogeneous. Look at the second example, u double x plus ut is equal to sin xt. Here the value of g is sin xt, so this is non-homogeneous equation. Similarly, the third example is also non-homogeneous equation. Here you may see that the value of g is 0, but this is not in the standard format. When you convert this equation into the standard format, this one will be shifted to the right of the equation, which will become minus 1. So you will get the value of g as minus 1. So this equation will be a non-homogeneous PDE. Iske alawa students, कोएफिशिएंट्स के काइंड्स भी हो सकते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. अगर इसी फॉर्मेट में हमारे साथ कोई इक्वेशन हो तो ए बी सी डी ई और एफ ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं. सो अगर ये कांस्टेंट हो तो हम कहेंगे कि दिस इज द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. ठीक है, अगर ये कांस्टेंट ना हो तो हम कहेंगे कि दिस इज सेकंड ऑर्डर पीडीई विद वेरिएबल कोएफिशिएंट. तो फिर ये पीडीई विद वेरिएबल कोएफिशिएंट कहलाएगा. कांस्टेंट कोएफिशिएंट का एक एग्जांपल मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, 0.1 पाई 2. ये सारे वैल्यूज ए बी सी डी ई और एफ के जितने भी वैल्यूज यहां पर शो हो रहे हैं सारे के सारे वैल्यूज कांस्टेंट है. सो दिस इज अ पीडीई विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. सिमिलरली सेकंड जो प्रॉब्लम है उसमें ए की वैल्यू है sin x, b इज द पाई इनटू x, द वैल्यू ऑफ c इज x प्लस t. Similarly, the e is e power t. So this is basically
सेकंड ऑर्डर पीडीए विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, क्लियर हो गया। सेकंड ऑर्डर पीडीज को तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिस तरह से आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। हमने एबीसी से डिस्क्रिमिनेंट कंस्ट्रक्ट करना है और उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज डिसाइड करेगी कि ये इक्वेशन पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या एलिप्टिकल है। अगर फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, सो यू विल से दैट दिस इक्वेशन इज अ पैराबोलिक इक्वेशन। इफ द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव देन दिस इक्वेशन इज हाइपरबोलिक इक्वेशन, एंड इफ दिस इज एलिप्टिकल, दिस इज एलिप्टिकल इफ द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, मींस लेस देन जीरो। ओके, so let us go to some analytical study of PDEs. So we have derived the heat equation. मैंने ये heat equation उधर derive किया हुआ है, कौन सी class है, एट सेमेस्टर की जो क्लास है उनके ऑनलाइन लेक्चर्स में पढ़ा होगा मेरे चैनल पे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को इसकी डिराइवेशन का क्लियर नहीं है या भूल गए हैं तो आप वो वहां से रिवाइज कर सकते हो कि हीट कंडक्शन फेनोमेना को किस तरह इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के शेप में एक्सप्रेस किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव इन दिस कोर्स इज टू सॉल्व दिस पीडी। ओके, सो मैं थोड़े से ये टर्म्स एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अल्फा स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल इन टू केफा ओवर जीरो, केफा इज द थर्मल कंडक्टिविटी, सी इज द स्पेसिफिक हीट एंड रो इज द डेंसिटी। अज्यूम दैट बोथ द एंड ऑफ द रॉड्स आर फिक्स्ड एट जीरो टेम्परेचर, सो आई विल राइट यू एट जीरो टी इज इक्वल टू जीरो एंड यू एट एल टी इज इक्वल टू जीरो, एंड फर्दर अज्यूम दैट द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज गिवन बाय सम फंक्शन एफ ऑफ एक्स। So the objective is to find a function u of x, t function of two variable u of x and t। ये जहन में रखिएगा कि जो function है वो two variable का function है, उसको हमने calculate करना है। Calculate किस तरह calculate करना है, वो separation of variable से calculate करना है। इस function को कौन कौन सी properties satisfy करनी चाहिए, इस फंक्शन को ये पीडीई सेटिस्फाई करना चाहिए, हमें एक ऐसे फंक्शन की तलाश होगी जो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मींस अगर हम इस इक्वेशन को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि अगर x की जगह हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए 0। सिमिलरली इफ वी सब्स्टिट्यूट द x बाय l, सो दिस मस्ट अगेन बी 0। एल पर भी इस फंक्शन की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। ठीक है, दो कंडीशंस हो गई। एक कंडीशन हो गया ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेटिस्फाई होना, दूसरा कंडीशन हो गया इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई होना। ठीक है, इसके अलावा ये फंक्शन यू अगर इसमें हम टी की जगह जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, कर दें तो ये फंक्शन, ये यू ऑफ एक्स टी इस गिवन फंक्शन इनिशियल टेम्परेचर एफ ऑफ एक्स के इक्वलेंट होगा। सो दिस इज बेसिकली द थर्ड कंडीशन। We are in search of a function u which depends on two variable x, t which satisfy this PDE, which satisfy these boundary conditions and which satisfy this initial condition also. Clear हो गया? Problem की statement पता चल गई? यही करना है हमने इस। तो separation of variable का जो technique है उसकी basics ये है कि suppose के अगर इसी problem का कोई solution exist हो रहा है, ये equation अननोन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव इक्वेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकंड डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, तो एक कंक्लूजन ये मिलती है कि अगर फॉर एग्जांपल इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा हो तो वो प्रोडक्ट की शेप में होगा, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट के शेप में होगा, एक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय टी ऑफ टी। दिस इज द अजम्पशन फॉर द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। वी विल अज्यूम दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस यू एग्जिस्ट एंड दैट सॉल्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ टी। अब ये u ऑफ x t अगर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो ये x ऑफ x और t ऑफ t डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि ये वन वेरिएबल में है। ठीक है, तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का टेक्निक इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर देता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में।
ठीक है, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सब्सटीट्यूशन के लिए हमें यू डबल एक्स चाहिए, यू डबल एक्स इज इक्वल एन टू एक्स डबल प्राइम ऑफ एक्स इन टू टी ऑफ टी। टी ऑफ टी हैव नो इफेक्ट बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द सेकंड डिराइवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन टी ऑफ टी विल बी सेम। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द फर्स्ट डिराइवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी, यू विल गेट एक्स ऑफ एक्स इन टू टी डैश ऑफ टी। हियर दिस टर्म इज कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टी। You can use these estimate in equation number 1. You will get x of x into t dash of t is equal to alpha square x double dash of x into t of t. Means u of t is equal to alpha square u double x. Clear हो गया? इस equation को हम अगर divide कर ले x multiplied by t multiplied by alpha square, तो हमें ये estimate मिलेगा x double dash of x divided by x is equal to t dash divided by alpha square t of t. ठीक है, ये equality अभी फिलहाल इस पे discuss नहीं करते। तो अगर हम x t into alpha square से divide कर देते हैं इस equation को, तो हमें ये एक expression मिलेगा x double dash divided by x is equal to t dash divided by alpha square t. अच्छा, ये equation हमें क्या बता रहा है? ये equation हमें बता रहा है कि एक function है x का जो equivalent है दूसरे function के, और वो दूसरा function है t का function. Means a function of x is equivalent to a function of t which is never possible, जो कभी भी ये नहीं possible नहीं होता। function of x function of t के equivalent नहीं हो सकता। हाँ, equivalent हो सकता है सिर्फ एक केस में, और वो केस क्या है कि अगर दोनों functions क्या हो, constant हो। ठीक है, अगर कांस्टेंट हो तो ये इक्विवेलेंट हो सकते हैं। सो वी विल अज्यूम दैट बोथ ऑफ दीज क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। उसी कांस्टेंट को हम माइनस लैम्डा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर लेंगे एक नेगेटिव कांस्टेंट से। ठीक है, सो अगर इस इक्वेशन को माइनस लैम्डा स्क्वायर के साथ हम इक्वेट करते तो हमें दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएंगे, एक्स डबल डैश प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो एन टी डैश प्लस लैम्डा अल्फा होल स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन से मिल जाएंगे। अभी सॉल्यूशन यू को अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करना है, तो एक्स को ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए और टी को ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स कि अगर एक्स और टी ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, तो इनके प्रोडक्ट से बनने वाला जो फंक्शन यू होगा वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, u ऑफ x t को बाउंड्री कंडीशंस भी सेटिस्फाई करने चाहिए। सो बाउंड्री कंडीशन है u at 0 t is equal to 0, u at l t is equal to 0। इनको अगर हम इम्पोज करेंगे सो हमें ये मिलेगा कि x at 0 0 है और x at l यानी x की 0 पे और l पर b वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहाँ पर ये अजम्पशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम टी ऑफ टी को नहीं कह सकते कि ये जीरो है, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि टी ऑफ टी इज जीरो देन वी विल गेट वी विल एंड इन अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात? सो ट्रिवियल तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। सो हम कहेंगे कि टी ऑफ टी इज नॉट जीरो, सो द ओनली ऑप्शन इज एक्स ऑफ जीरो एंड एक्स ऑफ एल बोथ आर जीरो। सो एक्स ऑफ एक्स के लिए हमें एक कंडीशन और मिल गई, एक्स के को एक्स ऑफ एक्स को ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी जाकर हमारा जो सोल्यूशन यू होगा वो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक हो गई? तो सबसे पहले टी का जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको हम अगर अज्यूम कर ले, सो टी डैश प्लस लैम्डा अल्फा होल स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनता है एम प्लस लैम्डा अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जिसके रूट है एम इज इक्वल टू माइनस इनटू लैम्डा अल्फा होल स्क्वायर, रूट्स रियल है और नेगेटिव है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो आप लोग पता होगा कि सोल्यूशन क्या है इसका, टी ऑफ टी सी वन ई पावर माइनस लैम्डा अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है जी, सो ये फंक्शन टी ऑफ टी का ये चॉइस ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यू कैन वेरीफाई इट बाय सब्स्टिट्यूशन। सी वन इज आर्बिट्री कांस्टेंट, दिस इज वन पैरामीट्रिक प्लेन इन एब्सोल्यूट एंड दिस इज नॉट वन सॉल्यूशन, दिस इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इसी प्रॉब्लम के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सी वन का कोई भी वैल्यू आप यूज करेंगे तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। क्लियर होगी बात? दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, एक्स डबल डैश प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो विद टू कंडीशंस एक्स एट जीरो इज जीरो एंड एक्स एट एल इज इक्वल टू जीरो।
We have first to derive the auxiliary function of this problem. The auxiliary function of this problem is m square plus lambda square is equal to 0. ठीक है जी, जिसे अगर हम रूट कैलकुलेट करेंगे तो रूट हमें मिलेगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा लेमडा इमेजिनरी विद रियल पार्ट 0। ठीक है, आपको याद होगा अगर रूट्स हो अल्फा प्लस आयोटा बीटा तो सोल्यूशन होता है e पावर अल्फा टी इन टू सी वन कॉस बीटा टी प्लस सी टू साइन बीटा टी। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यानी रियल पार्ट ऑक्सिलरी रूट का 0 है तो हम सिर्फ उसका इमेजिनरी पार्ट काउंट करेंगे और इस तरह का सोल्यूशन बनेगा, सी वन ए पावर 0 टी 1 हो जाएगा, सी वन कॉस लैम्डा एक्स प्लस सी टू लैम्डा साइन लैम्डा एक्स। दिस इज टू पैरामेट्रिक लीनियर अप सॉल्यूशन। इसमें से हमें सी वन और सी टू इस तरह सेलेक्ट करने हैं कि ये फंक्शन एक्स वो दो बाउंड्री कंडीशन भी सेटिस्फाई करे, यानी जीरो पर भी इसकी वैल्यू जीरो हो और एल पर भी इसकी वैल्यू जीरो हो। तो पहला कंडीशन जो है एक्स एट जीरो इज इक्वल टू जीरो, अगर इसको हम इम्पोज करते हैं तो हमें ये कंक्लूजन मिलती है कि सी वन हमारे साथ जीरो होगा। अगर सी वन जीरो हो जाए तो एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी टू साइन लैम्डा एक्स, ये सोल्यूशन बचेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन अगर हम इम्पोज कर लेते हैं एक्स एट एल इज इक्वल टू जीरो, जिसका मतलब होगा सी टू मल्टीप्लाइड बाय साइन लैम्डा एल इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर फिर वही कंक्लूजन बनती है कि सी टू जीरो होना चाहिए। सो सी टू को हम जीरो नहीं कह सकते क्योंकि फिर जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो हमारे साथ ट्रिवियल सोल्यूशन बनेगा। तो हम कहेंगे कि साइन लैम्डा एल इज जीरो जो सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है कि अगर लेमडा एन पाई और एल के इक्विवेलेंट हो तो ये साइन लेमडा एल जीरो के इक्विवेलेंट आएगा। सो वी कैन राइट द एन फाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम इज एक्स एन एट एक्स इज इक्वल टू सी एन साइन एन पाई और एल एक्स। ठीक है, हमें x का फंक्शन भी मालूम हो गया, t का फंक्शन भी मालूम हो गया, तो u हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे x ऑफ x मल्टीप्लाइड दोनों के प्रोडक्ट से। हमें n फाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे a n sin n pi x over l मल्टीप्लाइड बाय e पावर माइनस n pi over alpha होल स्क्वायर t। जो इक्वेशन हम कंसीडर कर रहे हैं वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पे सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल भी एप्लीकेबल होता है। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर u1 और u2 दो सॉल्यूशंस हो किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के तो उनका सम u1 plus u2 भी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सो u1 plus u2 plus u3 भी सॉल्यूशन होगा। इस तरह अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का सम भी सॉल्यूशन होगा। तो हम फाइनल सॉल्यूशन सारे सॉल्यूशंस के सम से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। u ऑफ x t इज समेशन n फ्रॉम 1 अप टू इनफिनिटी ऑफ दीज सॉल्यूशंस a n sin n pi over l x e पावर माइनस n pi over l अल्फा होल स्क्वायर t। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ये बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसमें आप एक्स की जगह जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये जीरो होगा, अगर एक्स की जगह एल सब्सटीट्यूट करेंगे तब भी ये जीरो होगा। ठीक है, अच्छा इसी इक्वेशन को थर्ड कंडीशन यू ऑफ एक्स एट टी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वो भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन है इसको पहले जरा रिवाइज कर ले कि साइन एन पाई एक्स ओवर एल मल्टीप्लाइड बाय साइन एम पाई एक्स ओवर एल, इन दोनों प्रोडक्ट्स को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम जीरो टू एल तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कंडीशनल आएगा, यानी कि अगर m और n इक्विवेलेंट हो तो ये इक्विवेलेंट होगा l डिवाइड बाय 2 के, अगर फॉर एग्जांपल m और n इक्विवेलेंट ना हो तो ये इक्विवेलेंट होगा जीरो के। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होनी चाहिए, ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी ऑफ साइन फंक्शन, कॉस में भी इस तरह की प्रॉपर्टी होती है। सो ये सॉल्यूशन u ऑफ x t इज इक्वल टू a n मल्टीप्लाइड बाय साइन मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल, इस पे अगर हम इनिशियल कंडीशन इम्पोज करते हैं u ऑफ x 0 इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी t की जगह 0 अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिमिलरली यहां पर भी t की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें फंक्शन मिलेगा f ऑफ x इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इनफिनिटी a n sin n pi over l x मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा सॉरी।
ये हमें एक्सप्रेशन मिलेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू द हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ए वन के कैलकुलेशन के लिए हमें इसको साइन 1 पाई एक्स और एल से मल्टीप्लाइड करना होगा और इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम 0 टू L। तो राइट हैंड साइड पे ए टू के टर्म्स, ए थ्री के टर्म्स सारे 0 हो जाएंगे, हमें सिर्फ ए वन मल्टीप्लाइड बाई एल डिवाइड बाई 2 मिलेगा। सो ए वन इज इक्वल इन टू 2 डिवाइड बाई L इंटीग्रल, दिस इज 0, ओके दिस इज 0 फ्रॉम 0 टू L एफ ऑफ एक्स साइन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। सिमिलरली ए टू हमारे साथ इक्वलेंट होगा 2 पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल इन दोनों इक्वेशंस के समझने में दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही हो, तो पीडीई का जो कोर्स है 8 सेमेस्टर का, उसमें मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ इन चीजों को किया हुआ है, तो आप उधर से देख सकते हो। ठीक है, अगर हम इसको जनरलाइज लिख लेंगे, वी विल गेट द एन एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी ए एन विच इज इक्वल इन टू 2 डिवाइड बाई L इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू L एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। अगर ए एन को हम इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारा सोल्यूशन होगा वो इस इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर होगी बात, फाइनल सॉल्यूशन हमारे साथ इसी शेप में होगा, u ऑफ x t इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इनफिनिटी a n sin n पाई x ओवर l मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग। ठीक है, इसमें ये कांस्टेंट a n डिपेंड होंगे, a n इज इक्वल टू 2 ओवर l फ्रॉम 0 टू l f ऑफ x sin n पाई x ओवर l dx। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इस पीडीई को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और साथ इनिशियल कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारे साथ हीट इक्वेशन का जो एनालिटिकल सॉल्यूशन है, वो एनालिटिकल सॉल्यूशन इजीली हमारे साथ एनालिटिकल सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो ये हमारे साथ सॉल्यूशन बन गया हीट कंडक्शन इक्वेशन का। अब वेव इक्वेशन पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि वेव इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। द वेव इक्वेशन कैन बी रिटन एज यू डबल एक्स इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाई यू डबल टी। ठीक है, सी कांस्टेंट है जो कि इक्वलेंट है टी ओवर रो के, सी इज टी ओवर रो, टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, इस इक्वेशन की डिराइवेशन में फॉर एग्जांपल अगर हो किसी को प्रॉब्लम, तो वो लेक्चर नंबर 5 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के कोर्स का वो रिवाइज कर ले। ठीक है, हमें एक ऐसा फंक्शन कैलकुलेट करना है जो u डबल x इज इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाय u डबल t, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और इसके साथ बाउंड्री कंडीशंस भी है और इनिशियल कंडीशंस भी है, उनको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अजीम करते हैं कि इसका सोल्यूशन इस शेप में एग्जिस्ट होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने से हमें पता चलता है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स डबल डैश डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू सी टी डबल डैश डिवाइड बाई टी। ठीक है, ये दोनों सेम तब हो सकते हैं जब ये किसी कांस्टेंट के इक्वलेंट हो। तो दोनों इक्वेशन को यूटिलाइज करने से हमें दो डिफरेंट सेकंड ऑर्डर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स मिलते हैं। रिकॉल स्टूडेंट्स, जो हीट कंडक्शन इक्वेशन था उसमें हमारे साथ जो प्रॉब्लम बन रहे थे, तो एक प्रॉब्लम था सेकंड ऑर्डर और दूसरा प्रॉब्लम था फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर दोनों प्रॉब्लम्स हमारे साथ सेकंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। अच्छा, सॉल्यूशन यू को ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई करने चाहिए, दोनों एंड्स पे जो स्ट्रिंग का हाइट है वो 0 होता है, सो यू एट 0 t एंड यू एट एल टी दोनों 0 होंगे। ये दोनों कंडीशन अगर हम इम्पोज करेंगे, वी विल गेट एक्स एट 0 t एट t इज इक्वल टू एक्स एट एल t एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिससे यही कंक्लूजन मिलता है कि x की 0 पे और l पे जो वैल्यू है वो 0 होगी। इन दोनों कंडीशंस को अगर हम x के ODA से कंपेयर करेंगे, तो ये हमारे साथ ये सेकंड ऑर्डर आइगन वैल्यू प्रॉब्लम बनेगा। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है एम स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स इमेजिनरी बनेंगे।
इमेजिनरी रूट से जो सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट हम करेंगे तो वो होगा एक्स सेट एक्स मल्टीप्लाइड बाय सी वन कॉस लैम्डा एक्स प्लस सी टू साइन लैम्डा एक्स। पहला जो बाउंड्री कंडीशन है एक्स सेट जीरो इज इक्वल टू जीरो, उसके इम्पोज करने से हमें सी वन की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। दूसरा कंडीशन इम्पोज करने से हमें सी टू की वैल्यू भी जीरो मिलने का चांसेस है, जिसको हम कहेंगे कि सी टू जीरो नहीं है तो लेमडा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, लेमडा इज इक्वल टू एन पाई ओवर एल। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज यूटिलाइज करेंगे तो हमें पहले प्रॉब्लम के एन पाइनेट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, एक्स एन एट एक्स इक्वल टू सी एन साइन एन पाई ओवर एल एक्स। क्लियर हो गया। अब दूसरा जो प्रॉब्लम है टी डबल प्राइम प्लस दिस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर हमने लेमडा की वैल्यू सब्सिट्यूट कर ली है, लेमडा की जो वैल्यू थी वो हमने सब्सिट्यूट कर ली। सो इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनता है वो बनता है एम स्क्वायर प्लस एन पाई होल स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर सी इज इक्वल टू जीरो, जिसके रूट्स भी इमेजिनरी बनेंगे। इमेजिनरी रूट्स से जो सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट होता है वो साइन और कॉस की शेप में होता है। टी ऑफ टी इज इक्वल टू सी थ्री कॉस रूट मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस साइन इमेजिनरी पार्ट ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाई टी। तो हमें फंक्शन एक्स भी मिल गया और फंक्शन टी भी मिल गया। इन दोनों फंक्शन से हम सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे एक्स ऑफ एक्स जो कि ये था और टी ऑफ टी जो कि ये। ठीक है, हम यू एन रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये एन पाइनेट सॉल्यूशंस बन रहे हैं। जो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है वो हमें ये कहता है कि ये एन पाइनेट सॉल्यूशंस अगर है तो उनका सम भी सॉल्यूशन होगा। तो सारे सॉल्यूशंस का सम बना लेते हैं n is equal to 1 up to infinity sin n pi x over l an an को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे cn और c3 को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे an से, इस तरह cn और c4 को रिप्रेजेंट कर लेंगे bn से। ठीक है, अब ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन रहा है ये सॉल्यूशन PDEs को भी सेटिस्फाई कर रहा है और साथ इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इस सॉल्यूशन को इनिशियल कंडीशन u at x at time t is equal to 0 is equal to f of x ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन u में x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट t की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमें ये मिलेगा f of x is equal to n up to 1 up to infinity sin n pi a n, यहाँ पर भी जीरो लग जाएगा, इस तरह यहाँ पर भी जीरो लग जाएगा। सो इसका जो मेन फॉर्म बनेगा वो f of x is equal to n is equal to 1 up to infinity a n sin n pi over l x, ये जो वैल्यू है cos 0 is equal to 1 और sin 0 is equal to 0, तो a n हमारे साथ यहाँ पर इसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो ये दोबारा से जो हाफ रेंज साइन सीरीज एक्सपेंशन है वही नजर आ रहा है जिसके हमने कोएफिशिएंट्स पहले स्लाइड दो तीन स्लाइड्स में डिराइव कर लिए थे। सो ए एन इज इक्वल टू टू और एल इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स और एल डी एक्स। ठीक है, जिस तरह से हीट कंडक्शन इक्वेशन पे हमने जो तरीका कार अप्लाई किया हुआ था तो वो हमने यहाँ पर वेव इक्वेशन पर भी अप्लाई कर लिया। अब दूसरी कंडीशन वेव इक्वेशन की दूसरी कंडीशन हमारे साथ है यू टी एट एक्स जीरो इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यू टी एट एक्स जीरो ये जो कंडीशन है इसको अप्लाई करने के लिए हमें फंक्शन यू का इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिराइवेटिव चाहिए। सो डिराइवेटिव के लिए कॉस का डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव बन जाएगा कॉस, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। तो यू टी को हम इस तरह एक्सप्रेस करेंगे यू टी इज इक्वल टू समेशन एन स्टार्ट्स फ्रॉम वन अप टू इनफिनिटी द सेम टर्म मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ कॉस प्लस बी एन मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ साइन। अब इसमें अगर टी की जगह हम जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये राइट हैंड साइड इक्वलेंट हो जाएगा जी ऑफ एक्स के और लेफ्ट हैंड साइड में बी एन हमारे साथ बचेगा, साथ ये कांस्टेंट बचेगा। तो हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन स्टार्ट्स फ्रॉम वन अप टू इनफिनिटी बी एन मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट वैल्यू इनटू साइन एन पाई एक्स ओवर एल। तो इसी समेशन से ये पता चलता है कि ये
बी एन कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है ये असल में जी ऑफ एक्स के साइन सीरीज एक्सपेंशन के कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम इक्वलेंट करेंगे जी ऑफ एक्स के साइन सीरीज एक्सपेंशन से। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में ये जो कांस्टेंट है दूसरी साइड पर आ जाएंगे तो हमें बी एन जो दूसरे अननोन कांस्टेंट है उनकी वैल्यू मिल जाएगी। तो बी एन को हमने इसका फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फाइनल जो हमारे साथ सोल्यूशन बनेगा वो सोल्यूशन इस तरह बनेगा, यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू वन ऑफ इनफिनिटी साइन एन पाई एक्स ओवर एल ए एन कॉस एन पाई ओवर एल अंडर रूट सी टी प्लस बी एन साइन एन पाई ओवर एल अंडर रूट टी, जिसमें ए एन इक्वलेंट होगा टू ओवर एल इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स के, और बी एन इक्वलेंट होगा टू ओवर अंडर टू इंटू अंडर द रूट सी डिवाइड बाई एन पाई इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू एल जी ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स के। ठीक है, अगर ए एन और बी एन को हम इन दोनों फार्मूलों से कैलकुलेट करेंगे तो ये जो सोल्यूशन हमारा बनेगा इसमें ये दो जो इनिशियल कंडीशन हमें दी गई होगी उसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक के इतना काफी है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हमारा टास्क क्या होगा, हमारा टास्क ये होगा कि जो सोल्यूशन हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं इस सोल्यूशंस को हम मैटलैब की मदद से, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई हमें प्रॉब्लम दिया गया है और हमें कहा जाए कि कैलकुलेट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो ये तो इनफाइनाइट समेशंस है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर आप ये सोल्यूशन कैलकुलेट करना चाहो तो आप इसके दो टर्म्स कैलकुलेट कर लोगे, तीन टर्म्स कैलकुलेट करोगे, इनफाइनाइट टर्म्स आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसका जो एम टर्म अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन होता है उसको मैटलैब से किस तरह कैलकुलेट करेंगे उस पे इंशाल्लाह डिस्कशन होगी, हीट इक्वेशन के लिए भी और वेव इक्वेशन के लिए भी। ठीक है, तो जब हमारा ये जो तरीके हैं एनालिटिकल मेथड्स जो हमें दिए गए हैं जब ये मास्टर हो जाएंगे तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से भी हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से जो रिजल्ट आएगा ना उस रिजल्ट को हम इस सॉल्यूशन के साथ फिर कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसको आज जो हमने पढ़ा ये आई नो कि ये एमपीएल के लेवल का चीज़ नहीं है, ये बीएस के लेवल का चीज़ है। ठीक है, ये जस्ट मैंने आप लोगों की रिविजन के लिए सारी चीज़ें रिवाइज कर ली। आप लोग भी अगर कहीं पर इसमें आप लोगों को मुश्किल पेश आ रही है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप ऑफकोर्स क्वेश्चन कर सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।